मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इंजीनियरों के कठिन परिश्रम की बदौलत हिमाचल प्रदेश अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद आज अन्य राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रदेश को खुशहाल व विकसित करने में अग्रणी रहते हैं। मुख्यमंत्री ने जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 26वीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के गांव को सड़कों और विद्युत व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का सारा श्रेय प्रदेश के इंजीनियरों को जाता है, जिनकी बदौलत ये सब संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा गया है और प्रत्येक गाँव को मोटर योग्य सड़क से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज प्रदेश में 35,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कें हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के गठन के समय यहां मात्र 288 किलोमीटर सड़कें ही थी। सभी गांव का विद्युतकरण कर दिया गया है और कुछ की बस्तियां पेयजल सुविधा से वंचित हैं। ये सब प्रदेश के मेहनतकश इंजीनियरों की बदौलत संभव हुआ है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में एक बहुत ऊंचा पद जो है आज देश के अंदर हासिल किया है, भले हिमाचल प्रदेश और जो भी काम हुआ है प्रदेश के अंदर उसको वो प्रशासन और जो हमारे दल के कर्मचारी हैं, हर विभाग के कर्मचारी हैं, उनके सहयोग से काम। जब सरकार और कर्मचारी और अधिकारी मिलकर काम करते हैं तब जाकर जो है वो विकास होता है। अब मुझे खुशी है, मुझे छठी बार हिमाचल का मुख्यमंत्री बना हूँ। मैंने कभी भी सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच में कोई गतिरोध नहीं पाया है। अगर कोई गतिरोध होने की भावना भी संभावना भी हो, हम उसको समय रहते ही दूर कर देते हैं। शांति के साथ काम हो रहा है और हर एक आदमी अपना काम कर रहा है और जिसकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश जो है राज्य के देश के जो सबसे विकसित राज्य है और उसमें हिमाचल की आज गिनती होती है। उन्होंने कहा कि अधिकतर समय उनके मुख्यमंत्री नेतृत्व काल उनके पास लोक निर्माण, शिक्षा व वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब विभाग प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेशवासियों के सहयोग से और कर्मचारियों के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आदर्श राज्य व सबसे अधिक साक्षर प्रदेश बना है और आज प्रदेश की साक्षरता दर 88% है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं की इंजीनियरिंग शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यूरी के कोटला में तथा दूसरा नगरोटा बगवा में आरंभ किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के साथ हमेशा ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं और वे हमेशा ही उनकी समस्याओं के प्रति सचेत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के सभी मामलों को आपसी सौहार्द से सुलझाया गया है। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।